लेकिन आई करो इंटरी करो जोको जोको गुब्बारा भोरो से पहले दीदी सौ रुपया दे आते भगवान का अवतार हुआ और जैसे अवतार हुआ देख लो अम्मा पहले लेके चढ़ा दी नहीं और का सब जन चढ़ा दे न करो जल्दी ने भगवान जा रहे माता जी की तरफ से गेरा मंदिर का भगवान के चरणों में मंद मंद वर्षा होने लगे और जैसे वर्षा होने लगी शेष भगवान ने छत्र छाया करी बसदेव की हाथों के हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां टूट गई पहरेदार सो गए ताले सब टूट गए बसदेव लेके चले तो क्या हुआ मालूम है चले भैया बसदेव लेकर भगवान को चले आ जाए बसदेव महाराज लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले और माँ की ममता थड़ी देखती रह गई वसुदेवी मथुरा से गोकुल चले माँ की ममता तड़ी देखती रह गई जिस समय भगवान को लेकर चले मेरे भगवत प्रेमियों गजब हो गया बड़े सुंदर भाव से बसदेव महाराज चले जा रहे हैं शेष भगवान छत्र छाया करते हैं लेकिन जिस समय आज यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं इतना जल बरसा कि यमुना मैया उबाल में आ गई यमुना मैया ने सोचा भगवान निकले जा रहे हैं बसदेव महाराज भगवान को लेकर के जा रहे हैं जो भक्त हमारे दान करना चाहे तो बसदेव जी के जा रहे हैं भगवान के चरणों में आप लोग दान कर सकते हैं बीच में आप लोग रास्ता बना दीजिए जैसे यमुना जी किनारे पहुंचे तो क्या हुआ चढ़ी आई रसिया आवत देखो तो पिया चढ़ी आई रसिया आवत देखो तो पिया चढ़ी आई रसिया आवत देखो तो पिया चढ़ी आई रसिया आगे पढ़ू जमुन चली धारा पीछे पढ़ू तो सिंह पुकारा चढ़ी आई रसिया आवत देखो तो पिया चढ़ी आई रसिया
प्रकार से जब यमुना मैया कहने लगी, भगवान ने अपने चरणों को लटकाया, यमुना मैया ने आज भगवान के चरणों को स्पर्श किया, वसुदेव महाराज आज गोकुल में पहुंच गए। रातों ही रात में भगवान को लिटा दिया और यशोदा के यहाँ से कन्या को लेकर के चल पड़े। रातों ही रात में फिर पुनः आज मथुरा में आए, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, पहरेदार सब जग गए, ताले पड़ गए, सवेरा हुआ। कंस को बताया गया कि आज देवकी के बालक नहीं बल्कि एक कन्या का जन्म हुआ है। कंस सोचने लगा आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई, आकाशवाणी हुई थी कि आठवां लाल होगा, लेकिन लाली कहां से आ गई, हो सकता है यही मेरा काल बन करके आई हो, तो इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी के हाथ से कन्या को पकड़ लिया और जैसे मारना चाहा, शिला पर पटकना चाहा, तो आकाश की ओर वो कन्या उड़ गई। कंस से बोले कंस तो मुझे मारना चाहता है, तेरे मारने वाला इस मथुरा से गोकुल में पहुंच चुका है और आज तो मुझे नहीं मार सकता है। परीक्षित महाराज वही आज कन्या हाथ से छूटकर विंध्याचल में जाकर गिरी, जो आज विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। आज भी चैत के महीना में मेला लगता है, विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। इधर कंस बड़ा पश्चाताप करता है, बहन के चरणों में गिर पड़ता है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने आज कितना तुम्हारे साथ अत्याचार किया और आज वो मेरा काल ये गोकुल में कैसे पहुंच गया।